हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को नमस्ते। सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, ये ट्विटर अकाउंट है, ठीक है। और पता है कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन, हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी, ऑनरेबल अतुल प्रसाद जी दोस्तों, ये रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, बीपीएससी से। और दोस्तों ये कैसे पता चला तो आप देख सकते हैं, ये खुद इनका, देखिए ट्विटर, ये आपको ट्विटर हैंडल था, ट्विटर अकाउंट इन्हीं का है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए फॉर्मर चेयरमैन बीपीएससी यहाँ लिखे हुए, ठीक है। तो ये जो है एक्स चेयरमैन, ऑनरेबल एक्स चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, भी आपको पता है कि एक्स चेयरमैन बीपीएससी अब हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जिनका ट्विटर अकाउंट है, इसी के माध्यम से दोस्तों जो है हम सभी कैंडिडेट्स को जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है देते थे, ठीक है, कि रिजल्ट कब आ रहा है, या दोस्तों एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी सूचना हो, ये सभी स्टूडेंट्स को इसी ट्विटर के माध्यम से सूचित करते थे। दोस्तों देखिए इनको पता है, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है कि इनका 8 तारीख को दोस्तों विदाई समारोह था बीपीएससी ऑफिस में ही, और बहुत जितने भी दोस्तों स्टेक होल्डर हैं बीपीएससी के, सभी को दोस्तों बुलाया गया था, जिसमें आपको कुछ स्टूडेंट भी थे दोस्तों, कुछ कोचिंग के जो डायरेक्टर लेवल के दोस्तों थे, तो कुछ कोचिंग से भी बहुत सारे टीचर आए हुए थे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर आपको पता है कि यह फॉर्मर चेयरमैन हो चुके हैं और बीपीएससी का, और आईएएस रिटायर्ड लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इनसे एक छात्रा ने दोस्तों, जो कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स है, कोई गर्ल्स कैंडिडेट्स है, उन्होंने पूछा था कि सर आप जो है आपने आपको आईआईटी किया है, ठीक है, आप आईटीएन हैं, तो आपने ये आईएएस क्षेत्र में क्यों आया। तो दोस्तों इनका यही जवाब था कि ये मेरी बड़ी भूल है। तो दोस्तों वो जाकर वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ देख सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मुख्य मकसद यही है कि जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन थे श्री अतुल प्रसाद जी दोस्तों, रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा दोस्तों लेगेसी अपने पीछे छोड़ा है। और मैं बता दूं कि अब इन्होंने, इनका जो लास्ट ट्वीट है आप देख सकते हैं कि इन्होंने लास्ट ट्वीट किया है एज ए चेयरमैन दोस्तों बीपीएससी। तो मैं इनको जब आप लोग देख बताऊँगा इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या छात्रों को मैसेज देना, एस्पायरेंट्स को, कैंडिडेट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। दोस्तों जो उनका विदाई समारोह था, उन्होंने बताया भी था कि एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। तो देखिए दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनका ट्वीट जो ट्वीट लास्ट ट्वीट है, इस ट्वीट का दोस्तों मायने हम लोग निकालते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आपको पता है कि 17th बीपीएससी, ये आपको पता है कि उसका जो है हम लोग जो उसका निःशुल्क गाइडेंस दे रहे हैं अपने चैनल पर, आप सभी भाई बहनों का दोस्तों स्वागत है, आप आइए मेरे चैनल पर और जो है निःशुल्क जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए इनका ट्वीट है, देख सकते हैं सर का जो है कलम थोड़ा, दोस्तों देखिए सर का जो लास्ट ट्वीट है यही है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि अभी दोस्तों फॉर्मर चेयरमैन बीपीएससी हो गए हैं, ठीक है। अभी जो, हाँ दोस्तों आपको बता दूँ कि जो नया चेयरमैन, नए चेयरमैन कौन बनेंगे बीपीएससी के, इसके बारे में दोस्तों सरकार की तरफ से कोई अभी अपडेट नहीं है। जैसे ही दोस्तों अपडेट आएगा, कोई चेयरमैन बीपीएससी, नए न्यू चेयरमैन बीपीएससी के बारे में, तो दोस्तों आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और दोस्तों हाँ, एक मीडिया में दोस्तों, मीडिया के एक सेक्शन में ऐसा जो है कि चल रहा है कि अभी जो वर्तमान में दोस्तों मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी बिहार दोस्तों, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी बिहार अमीर सुभानी जी, उनको बीपीएससी चेयरमैन बनाया जाएगा। तो दोस्तों अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है इस संबंध में। तो जैसे ही दोस्तों, चूँकि आपको पता है कि हम जो है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, हमारा जो चैनल है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगी तो जरूर आप लोग को साथ साझा किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जो पूर्व चेयरमैन जो दोस्तों हैं श्री अतुल प्रसाद जी, उन्होंने जो अपना लास्ट ट्वीट किया उसका हम लोग अर्थ देखते हैं क्या। दोस्तों यहाँ लिखे इनका दोस्तों यहाँ पर ट्वीट किए हैं कि हिस्ट्री जजेज लीडर्स फ्रॉम व्हाट दे गॉट फ्रॉम देयर प्रेडिसेसर्स एंड व्हाट दे लीव टू देयर सक्सेसर्स। आई सिंसियरली बिलीव दैट एज पेपर लीक
करप्शन, इनिफिशियंसी एंड नॉन ट्रांसपेरेंसी बिकम थिंग्स ऑफ पास्ट, बीपीएससी वुड ग्रो स्ट्रेंथ थ्रू स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इनका कहना है, नहीं जो ट्वीट किए हैं पूर्व चेयरमैन बीपीएससी अतुल प्रसाद जी, श्री अतुल प्रसाद जी का दोस्तों यहाँ पर लिखना है, कहना है कि हिस्ट्री जजेस लीडर्स फ्रॉम व्हाट दे हैव गॉट फ्रॉम देयर प्रेडेसेसर्स एंड व्हाट दे लीव टू देयर सक्सेसर्स। कहने का मतलब दोस्तों कि जो इतिहास है, अब जो अपने नेताओं को दोस्तों जज करता है, ठीक है, जज मतलब परीक्षण करता है, ठीक है, कैसे करता है, व्हाट दे हैव गॉट फ्रॉम देयर प्रेडेसेसर्स, जो उन्होंने अपने जो पूर्वजों से प्राप्त किया है कुछ भी दोस्तों, और व्हाट दे लीव टू देयर सक्सेसर, जो दोस्तों आने वाला जो पीढ़ी है, कहने मतलब जो आने वाले नए चेयरमैन हैं उनको क्या दे रहा है, व्हाट क्या छोड़ रहा है उनके लिए। तो दोस्तों इस आधार पर जो है, जो इतिहास है, अपने नेताओं को क्या करता है, जज करता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब ये चेयरमैन, आपको पता है मैं बताऊंगा कब ये चेयरमैन बने थे, डेट सहित आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों, उस समय 67 बीपीएससी का जो है प्रीलिम्स का जो पेपर है दोस्तों लीक हो चुका था, आपको पता है। तो उसी दोस्तों जो धूल भरी अंधेरी जो दोस्तों वातावरण था, उसी बीच में इनको चेयरमैन बनाया गया था। तो दोस्तों इन्होंने कहने का मतलब है कि ये व्हाट दे गॉट फ्रॉम देयर प्रेडेसेसर्स, जो पहले के दोस्तों जो स्थिति था, तो उन्होंने जो जिस समय में ज्वाइन किया था, तो उस वक्त जो बीपीएससी कई स्थिति से थोड़ा दोस्तों निराशाजनक थी। बहुत दोस्तों खुद इनका कहना है कि जब मैं आया था तो ये संवैधानिक जो बॉडी है बीपीएससी, इसके प्रति लोगों में अविश्वास का माहौल था। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत इस पर काम किया, ठीक है। तो वही उनका कहना है कि हिस्ट्री जजेस फ्रॉम लीडर्स व्हाट दे गॉट फ्रॉम देयर प्रेडेसेसर्स एंड व्हाट दे लीव टू देयर सक्सेसर्स। चूँकि दोस्तों पता है कि जब 12 तारीख को रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने जो आने वाले जो नए चेयरमैन हैं उनके लिए क्या क्या दोस्तों करके गया है, तो आपको पता ही है दोस्तों इनका जो है योगदान अतुलनीय रहा है। इन्होंने दोस्तों पेपर लीक को समाप्त कर दिया है, ठीक है। जहाँ तक करप्शन का बात है वो भी दोस्तों समाप्त हो गया है। इनइफिशियंसी एंड नॉन ट्रांसपेरेंसी दोस्तों पूरी तरह से जो बीपीएससी है ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो दोस्तों अब बताएंगे कि कैसे, दोस्तों को पता है कि पेपर लीक अब बिहार में नहीं होता है, जो पेपर होता है दोस्तों नए सिस्टम के तहत, अब जो है प्रिंसिपल जो आपको केंद्राधीक्षक के रूम में नहीं खुलता है, सीधे जो बंडल होता है दोस्तों स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट को दिखाकर खोला जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो पेपर लीक की संभावना एकदम जीरो हो गई, ठीक है। करप्शन मतलब दोस्तों देखिए, करप्शन वही होता है जहाँ दोस्तों नॉन ट्रांसपेरेंसी रहता है, ठीक है दोस्तों। जैसे पता है कि आपको पता है कि सारे जो MR जो है आपको लोड के कर दिए जाते हैं साइड पे, जो कॉपी दोस्तों मेंस की है आपको अनएवेल्यूएटेड कॉपी भी दिया जाता है, उसके बाद जो एवेल्यूएटेड कॉपी भी दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों पूरी तरह बीपीएससी से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, तो जिससे चलते दोस्तों करप्शन की भी संभावना बहुत ही कम है। इनिफिशियंसी दोस्तों को पता है कि रात दिन श्री पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने काम किया है दोस्तों, इनके जो भी सबॉर्डिनेट्स उन्होंने भी साथ में काम किया मिलकर के, जो टीम वर्क दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि आई सिंसियरली बिलीव दैट एज पेपर लीक करप्शन इनिफिशियंसी एंड नॉन ट्रांसपेरेंसी बिकम्स थिंग्स ऑफ पास्ट, मतलब बीते दिन की हो गई, चाहे पेपर लीक हो दोस्तों, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अक्षमता हो, इनिफिशियंसी हो, चाहे दोस्तों नॉन ट्रांसपेरेंसी अपारदर्शिता हो, ये सब थिंग्स ऑफ पास्ट हो चुकी है। बीपीएससी वुड ग्रो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, आपने कहा है कि बीपीएससी वुड ग्रो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर दोस्तों, मतलब आपको पता है कि 12 तारीख को रिटायर हो गए, उसके बाद से जो दोस्तों नए जो चेयरमैन आएंगे निश्चित रूप से बीपीएससी को और इससे भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इनका कहने का दोस्तों मतलब यही है कि इन्होंने जो पाया था अपने प्रेडिसेसर्स से, और जो दोस्तों जो अपने सक्सेसर को छोड़ के जा रहे हैं, बहुत दोस्तों मिसाल जो है मील का पत्थर जो है स्थापित करके जा रहे हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों इनका कहने का मतलब है इनके ट्वीट का। तो इनका दोस्तों योगदान पूरी तरह से सराहनीय, उल्लेखनीय, कौन कमेंडेबल कहा जाएगा। और इनके बारे में आप देख सकते हैं कि इन्होंने AIS थे दोस्तों, और ये ITN भी थे, ठीक है। तो ये बात दोस्तों इन्होंने अपने बारे में बताया है कि मुझे दोस्तों आरोप लगाया जाता है कि ये बिहार के नहीं हैं, यूपी के हैं, इसलिए यूपी के बच्चों को फ़ायदा पहुंचाते हैं दोस्तों। इन्होंने अपने लास्ट जो आपको पता है कि जो विदाई समारोह था, उन्होंने बताया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, सारे आरोप निराधार है, मैं बिहार का हूँ, मैं पटना से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये सब जो है आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया है वो पहले वाले वीडियो में। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर अन्य भी दोस्तों इनका देखिए ट्वीट आया है 2 दिन पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 2 दिन पहले आया है, फाइनल रिजल्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल ऑनकोलॉजी हैज बीन सेंड फॉर अपलोडिंग ऑन आवर वेबसाइट।
कंग्रेचुलेशन टू ऑल द सक्सेसफुल दोस्तों, जितने भी रिजल्ट आए हैं इनके कार्य में, तो सारे दोस्तों रिजल्ट आने के आधा घंटा एक घंटा पहले जो इसी प्रकार का अपडेट जो है अतुल प्रसाद सर ने दिया है, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इनको दोस्तों उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों, और दीर्घायु हो। तो दोस्तों ये हुआ, मैंने बता दिया, यही उनका ट्वीट है। तो दोस्तों इनके ट्वीट पर देखिए कोई है, मैडम है अनुभा सिन्हा जी, दोस्तों इन्होंने रिप्लाई किया। चलिए उनको देखते हैं इनका क्या कहना है। देखिए अनुभा सिन्हा जी कोई हैं दोस्तों, इनका कहना है कि थैंक्स फॉर रीइंस्टेटिंग द फेथ ऑफ मिलियंस इन द सिस्टम। मतलब जो भी लाखों लोगों लाखों कैंडिडेट्स का जो विश्वास है बीपीएससी में स्थापित करने के लिए, इनको दोस्तों धन्यवाद दे रही हैं। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दैट ऑनेस्टी इंटीग्रिटी कॉम्पिटेंस लीडरशिप एंड इंटेंट कैन मूव माउंटेंस। दोस्तों इन्होंने इनकी ईमानदारी और इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा कॉम्पिटेंस दोस्तों लीडरशिप इनका जो नेतृत्व शैली है सबका दोस्तों इन्हें प्रशंसा की है। थैंक्स फॉर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विदाउट ए फ्रंट, मतलब इनके दोस्तों नेतृत्व जो आगे बढ़ के इन्होंने काम किया है इसका इन सराहना कर रही है। थैंक्स फॉर नर्चरिंग ए ब्राइट फ्यूचर फॉर बिहार, थैंक्स फॉर बींग वाट यू आर। दोस्तों बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखा है दोस्तों अनुभा सिन्हा जी ने, तो ये हुआ दोस्तों। उसी प्रकार देखिए आशीष सिन्हा जी है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, थैंक्स टू अचीविंग द इम्पॉसिबल अतुल दोस्तों, द प्रेजेंट क्रॉप ऑफ ऑफिसर्स टीचर्स हु केम इन आफ्टर एंटेंस क्लीनिंग शैल इंश्योर दैट बिहार राइजेस एंड राइजेस। दोस्तों तो इनके जो कार्यों का दोस्तों बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एज ए स्टूडेंट जो फ्रॉम दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट्स, हम भी दोस्तों जिन्होंने जो स्थापित किया है मानदंड उसका हम लोग सराहना करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑफिस बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, और देखिए यहाँ पर जो ऑनरेबल चेयरमैन बीपीएससी हैं दोस्तों उनका देखिए दिया हुआ है। तो इनका जो दोस्तों देखिए यहाँ कार्यकाल है लास्ट में, अभी तक इससे पता चल रहा है दोस्तों कि नया जो चेयरमैन है उन्होंने उनका नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर दोस्तों हो जाता तो यहाँ पर अपडेट हो जाता देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आज 13 तारीख है और ये मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब तक दोस्तों श्री अतुल प्रसाद जी लिखा हुआ 5 अगस्त 2022 को दोस्तों ज्वाइन किए थे, ठीक है, एज ए चेयरमैन बीपीएससी। और दोस्तों टिल डेट मतलब कि अपडेट नहीं हुआ, जैसे ही नए चेयरमैन का दोस्तों घोषणा होती है तो ये अपडेट हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिस्ट है यहाँ भी देख सकते हैं कि अभी आप चाहेंगे बीपीएससी के साइट पर तो यहाँ भी वही दिखाएगा श्री अतुल प्रसाद ऑनरेबल चेयरमैन। तो ये बात है दोस्तों, और देख सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर और दोस्तों सेक्रेटरी ऑनरेबल सेक्रेटरी भी हैं बीपीएससी के श्री रवि भूषण जी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार का दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जो बीएसटीएस परिवार के ऑलरेडी मेम्बर हैं उसे निश्चित रूप से एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपके भी दोस्तों जो फीडबैक मिलता है लाइक ग्रुप में, तो मुझे भविष्य में दोस्तों आगे में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तब तक इस वीडियो में इतना ही, शुभरात्रि दोस्तों।